हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बेबी लहंगा चोली बनाने का बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है, जितनी बड़ी हम चोली बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा लेना है। और उसे हमें पहले एक बार फोल्ड करना है और फिर हमें दोबारा से फोल्ड करना है। कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है तो ये फुल लेयर में फोल्ड हो जाएगा। पहले हमें लेंथ लेनी है, जैसे कि हम चोली जो सिल के तैयार करेंगे वो 13 इंच की करेंगे, तो 1 इंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हम इसे 14 इंच ले रहे हैं। अब हमें ऐसे ही निशान लगा लेने हैं 14 इंच पे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर देना है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। एक साइड ये कपड़े की बंद है और दूसरी साइड खुली हुई है कपड़े की, तो बंद साइड की तरफ से हमें एक मार्क करना है तीरा के लिए। जैसे तीरा 10 है तो उसका हाफ 5 इंच पे हमने एक मार्क किया है। ये हमने 5 इंच तीरा लिया है। बेबी का जितना भी तीरा हो उसके अकॉर्डिंग ही तीरा लें आप। इसके बाद जो हम आर्म होल्स की लेंथ लेते हैं बेबी ड्रेस बनाते हैं, तब जो हमारा तीरा होता है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे 5 इंच मैंने तीरा लिया है तो यहाँ पे 5.5 इंच मैंने आर्म होल्स की लेंथ ली है, जब भी हम कोई बेबी ड्रेस बनाते हैं। इसके बाद जो ब्रेस्ट होती है उसका तो हमें 1/4 लेना ही लेना है। यहाँ पे जैसे कि ब्रेस्ट है 24 तो उसका 1/4 हुआ 6, और यहाँ पे हम 1.5 इंच और ऐड कर रहे हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने इसमें 1.5 इंच क्यों ऐड किया है। 1.5 इंच हमें ऐड करना है। और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जो भी हम लेना चाहते हैं मार्जिन के लिए, जैसे कि 1 या 1.5 इंच के करीब, वो हमें यहाँ पे लेना है। ये मैंने जो 1.5 इंच ऐड किया है इसमें अलग से, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके बाद जो हम वेस्ट का निशान लगाते हैं बेबी ड्रेस में, वो भी हम तीरा के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। जैसे कि तीरा मैंने 5 इंच लिया है तो वेस्ट का निशान भी हमें 5 इंच पर ही लगाना है। और यहाँ पर जब हम वेस्ट का नाप करते हैं बेबी ड्रेस में तो ब्रेस्ट से 1/2 इंच कम लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट ली है 6 तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच लेनी है, और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच ऐड करना है, और यहाँ पे मार्जिन के लिए भी हमें 1.5 इंच ही लेना है। और आप ध्यान रखें, वो वेस्ट का निशान हम आर्म होल से नीचे की तरफ 5 इंच पे ही लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी फिक्स लाइन है उस पर हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। जो हमने ऐड किया था 1.5 इंच, वहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद दूसरी लाइन हमने मार्जिन वाले कपड़े पर ड्रॉ की है, सॉरी लाइन पर। अब हम जो तीसरा निशान लगाएंगे वो हम यहाँ पे 7.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे ही लगा रहे हैं। जो ये ब्रेस्ट है इसका 1/4 और 1.5 इंच जो हमने ऐड किया है वो, तो 7.5 इंच हुआ और 1.5 इंच हम अलग से ऐड कर रहे हैं। और ऐसे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। आर्म होल्स की कटिंग करने के लिए, जैसे कि आर्म होल्स की लेंथ 5.5 इंच है तो इसका हाफ लेना है हमें, और हाफ पर एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, और अब हमें गोलाई करनी है। जितने भी आपकी आर्म होल्स की लेंथ है उसका हाफ पर एक मार्क करना है, और नीचे से हमें 1 इंच लेना है, और ऐसे हमें गोलाई करनी है। और इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की जो हम गोलाई करते हैं वो हम यहाँ पे कम ही करेंगे, बेबी ड्रेस है ये, ज़्यादा नहीं करनी है हमें ऐसे। ये हमारी फ्रंट की रहेगी। इसके बाद अब हम जो है गले की कटिंग करेंगे, तो गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो हम 1.7 इंच ले रहे हैं, और जो लेंथ है वो फ्रंट गले की लेंथ मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, और यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे गोलाई करनी है। ये हमारा फ्रंट का गला रहेगा। और इसके बाद दूसरी लेंथ मैं लूँगी 2 इंच पर, ये जो हमारा बैक गला रहेगा। और इसके बाद आर्म होल्स की तरफ हमें ऐसे हल्की सी वो डाउन करेंगे गले से मुड्ढे की तरफ, ज़्यादा 1/2 इंच नहीं करना, कम ही करेंगे।
अब हमें इसकी कटिंग करनी है और जो गले हैं वो बैक साथ में कट करेंगे और यहाँ से भी हमें कट करना है। एक पर्दे को हमें अलग करना है। अब हमें फ्रंट गले की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल्स की। देखिए ये जो कटिंग है ये हमने कर ली है। इसके बाद हमें और भी इसमें कटिंग करनी है, वो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने 1.5 इंच क्यों ऐड किया था। पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है जैसे था ये, और एक निशान हमें 5 इंच पे लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। वहाँ पे मैंने 5 इंच पे लगाया है और ऊपर की तरफ ब्रेस्ट की तरफ 5.5 इंच पे लगाना है और ऐसे हमें एक लाइन खींचनी है और अब हम इसे कट कर देंगे। आप बस ध्यान रखें कि नीचे की तरफ से हमने 5 इंच पे एक मार्क किया है और ऊपर से हमने 5.5 इंच पे मार्क किया है और हम इसे सीधा कट कर रहे हैं। अब हमने जो 1.5 इंच ऐड किया था वो हमने इसी लिए किया था 1.5 इंच ऐड। और अब हम जो हमारी ये चोली है इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी। आप स्टिचिंग ज़रूर देखें। इसमें साइड में डोरी भी लगानी है। सबसे पहले हमें गला बनाना है। गला बनाना बहुत इजी है और मैंने हर वीडियो में बनाना बताया है, तो सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको लेस लगाना बता रही हूँ। लेस जब हम लगाते हैं गले में तो जिस तरह का हमारा गला होता है उसी के अकॉर्डिंग लेस को करते हुए हमें सिलाई लगानी है। लेस को हमें खींच के सिलाई नहीं लगानी। हमने गले पर लेस लगा ली है। इसके बाद जो साइड में हम डोरी लगाएंगे तो डोरी लगाने से पहले हमें डोरी बनानी है और छोटे छोटे पीस हमें कट कर लेने हैं 2 इंच के करीब। मैंने ये पीस कट कर लिए हैं डोरी में से। और अब मैं मार्क करना बताऊंगी आपको। आर्म होल से एक मार्क हमें 1.5 इंच पे करना है। इसके बाद दूसरा मार्क भी हमें 1.5 इंच पे करना, थर्ड मार्क भी हमें 1.5 इंच पे करना है, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। हमें ये 5 मार्क करने हैं, वो भी 1.5 इंच की गैपिंग में। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी 5 मार्क ही करने हैं, वो भी 1.5 इंच की गैपिंग करते हुए हमें मार्क करने हैं। इसके बाद जो हमने ये डोरी बनाई है इनको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें कपड़े को हमने सीधा रखा है और ऐसे डोरी को हमें ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। डोरी हमें कपड़े के ऊपर रखनी है और सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है और इसमें मैंने ये 5 डोरी लगाई हैं। इसके बाद जो ये चोली है इसका जो ये हिस्सा है पहले हम देख लेंगे कि यही वाला है और फिर हमें इसे ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। वो हमें ऐसे रख के इसलिए देखना है कहीं हम ऐसे दूसरी साइड का इसमें ना सिल दें, तो पहले आप रखें और देखें तब आप सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद जो ये सिलाई वाला कपड़ा है इसे हमें ऐसे इधर की साइड में करना है और यहाँ पे हमें लेस लगानी है। ध्यान रखें सिलाई वाले कपड़े को हमें गले की तरफ करके सिलाई लगानी है लेस रख के। ये हमने लेस भी लगा ली है और ये हमने ये डोरी भी लगा ली है और इसी तरीके से हमें ये दूसरी साइड भी तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी डोरी लगानी है और हम ऐसे ही ये पर्दा है इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने ये दोनों साइडों में डोरी लगा ली है और ऐसे ही दूसरी साइड में भी लगाई है मैंने। और जो ये पर्दा है इसे हमने तैयार कर लिया है। ऐसे ही आप सेम दूसरे पर्दे को भी तैयार कर लें। मैंने एक पर्दा आपको तैयार करना बताया था, दूसरा पर्दा भी मैंने तैयार कर लिया है। इसमें भी मैंने दोनों साइडों में डोरी लगाई है। अब हमें पहले पर्दे को सीधा रखना है, इसके बाद इस पर्दे को हमें उल्टा रखना है और जो शोल्डर हैं इन पर हमें सिलाई लगानी है। ऐसे दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है।
ये मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स पर पट्टी लगाएंगे। उसके लिए मैंने एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। इसे हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें ऐसे इस पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, इसकी चौड़ाई मैंने कम इसलिए ली है क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से फोल्ड करूंगी अंदर की तरफ, तो इसकी चौड़ाई मैंने कम ही ली है। और जब भी आप ये पट्टी लगाएं तो आप हल्के हाथ से इसे खींच कर ही लगाएं और सिलाई लगाएं। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं और ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, झोल ना आए। अब हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड करना है। ध्यान रखें, इसमें हमें पाइपिंग की तरह कुछ भी नहीं करना, ये हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी पट्टी लगा लें और दूसरी तरफ भी आर्म होल्स को ऐसे ही आप बना लें। देखिए, मैंने दोनों तरफ के आर्म होल्स पर सिलाई लगा ली है और इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है पट्टी रख के। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें एक निशान लगाना है, वो हम नीचे से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ पर, यहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है 2 इंच तक, ऊपर से जो मार्क किया है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। हम 2 इंच तक इसे खुला ही रखेंगे। इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है, जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है। और ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैंने इधर की साइड में सिलाई लगाई है, ऐसे ही हमें दूसरी तरफ में सिलाई लगानी है। मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारा खुला हिस्सा है इस टॉप का, इसे हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर जैसे हम कुर्ती वगैरह के जो पार्ट होते हैं उनको फोल्ड करते हैं, सेम ऐसे ही हमें इनको फोल्ड करना है। और दूसरी साइड से भी हमें सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। और इसी तरह से आप इधर की साइड में भी फोल्ड कर लें। देखिए, ये मैंने दोनों साइडों में फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब हम नीचे की तरफ लेस लगाएंगे, तो हम लेस सीधी तरफ से ही लगाएंगे। कपड़े को हमें ऐसे सीधी तरफ ही फोल्ड करना है और लेस को हमें रखना है और सिलाई लगानी है। इससे फिनिशिंग भी आती है और टाइम की बचत भी होती है, जल्दी से हम लेस लगा लेते हैं। हमें ये नहीं है कि पहले हमें फ़ोल्ड ही करना है कपड़े को, नहीं, हम इसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और लेस रख के सिलाई लगाएंगे और ऐसे दूसरी तरफ भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये लेस भी हमने कंप्लीट कर ली है, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लेस लगा लें। यहाँ पे भी हमें सेम हमें ऐसे ही लेस लगानी है। मैंने दोनों तरफ लेस लगा ली है और हमने ये डोरी बनाई है। अब ये डोरी हम इनमें, जो ये डोरी लगाई थी साइड में, इनमें ये लगानी है हमें क्रॉस करके, ऐसे क्रॉस करते हुए हमें ये डोरी लगानी है। जो मैंने आपको तरीका बताया है वो बहुत ही इजी है, फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकती हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्ले करूँगी। देखिए, मैंने ऐसे डोरी लगा ली है इसमें और ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी डोरी लगा लें। ऐसे ही आप यहाँ पे भी डोरी लगा लें। देखिए, इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी डोरी लगा ली है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।